हेलो मरीनस, मुझे बहुत से लोगों से कंप्लेन आ रही है कि उनकी सीडीसी डिलीवर नहीं हुई उन्हें। देखिए, सीडीसी डिलीवर होने के लिए 60 से 80 डेज लगते ही लगते, ठीक है। बट यहाँ पे जो केसेस है वो ये है कि उनके 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, किस किस के 6 महीने हो गए, अभी तक की सीडीसी उनके पास डिलीवर नहीं हुई है। तो देखिए, होता क्या है एक्चुअली, सब लोग पूछते हैं कि भाई मैंने ये तारीख को अप्लाई किया था, अभी कब मेरी सीडीसी आएगी। देखिए, एक बात क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, 60 से 80 डेज लगते ही है सीडीसी आने को, ठीक है। उससे फास्ट नहीं आएगी, गवर्नमेंट अपनी स्पीड से चलती है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और एक प्रॉब्लम एक और है, एमएमडी का बहुत बड़ी गलती है यहाँ पर। एमएमडी वाले कभी भी आपकी जब सीडीसी डिस्पैच होती है ना, तो वो लोग आपको कभी ना मैसेज और ईमेल करते नहीं है कि आपका ये कुरियर नंबर है या ये डिस्पैच हुआ है ये कुरियर से, कुछ नहीं, सीधा सीडीसी घर पे आ जाती है। वो लोगों को एटलीस्ट उन लोगों को नोटिफाई करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आपकी सीडीसी आ रही है, इन्हें कुछ करना ही नहीं है। जैसे पासपोर्ट आता है या कुछ गवर्नमेंट आईडी आता है तो आपको कैसे आता है नोटिफिकेशन आपकी चीज़ आ रही है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, एमएमडी में ये सब नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ एमएमडी की। और एक चीज़, एप्लीकेशन अप्रूव्ड, कितने लोग हैं ना मुझे ये पूछते हैं कि अगर एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुआ है और मेरी 6 महीना हो गया सीडीसी आई नहीं, तो इसका मतलब सीडीसी कैंसिल हो गई है क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक बार एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया मतलब आपकी सीडीसी उन्हें बनाना है, मतलब आपकी सीडीसी बन ही जाएगी, समझ लीजिए, और बन गई होगी, पर डिलीवरी हुई होगी या नहीं भी हुई होगी बोल नहीं सकते हो। एमएमडी है भाई, गवर्नमेंट ऑफिस, आपको पता है इंडिया की गवर्नमेंट क्या है, बच्चे बच्चे को पता है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों की 4 4 5 5 महीना हो गया सीडीसी आई नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, ऑप्शन यही है आपके पास कि आप पोस्ट ऑफिस जाके पता लगाइए, या तो एमएमडी आखिरी ऑप्शन है, वहां जाके बात कीजिए। ये ज्यादातर के प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होता है जिनका एड्रेस कुछ और रहता है, मंगाते कहीं और है सीडीसी, ये ज्यादातर के प्रॉब्लम उन लोगों का ही होता है, ठीक है। अब अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि आप कहीं और रहते हो, जैसे परमानेंट एड्रेस अलग रहता है, आप रेसिडेंशियल मतलब अभी रह रहे कहीं और हो, प्रेजेंट एड्रेस आपका होता है किस किस का जो रेंट पे रहते हैं, तो देखिए ऐसा अगर आपका प्रॉब्लम है तो जैसी सीडीसी आने वाली है, देखो 60 डेज में आती है सीडीसी, ठीक है। तो क्या करो मालूम है, 50 डेज हो गए ना, तो आप जाइए पोस्ट ऑफिस और जाके कोई एरिया का जो आपका पोस्टमैन है उसको पकड़िए और उसको एक टिप रख दीजिए हाथ में और उसको एड्रेस दे दो और आपका नाम बता दो, बोल रहा है मेरा डॉक्यूमेंट आने वाला है, आप मुझे कॉल कर देना जब भी आएगा। तो इस तरह से आपकी सीडीसी सेफली मिल जाएगी, क्योंकि होता क्या है, देखिए प्रॉब्लम, आप रहते कहीं और हो और आप सीडीसी कहीं और मंगाओगे ना, तो वो लोग आते, उन लोगों को पता है पोस्टमैन लोगों के, वो उन लोग उसको समंदर का पासपोर्ट बोलते हैं एक्चुअली, पोस्टमैन लोग सीडीसी को। तो अगर वो आपके घर पे आएगा और आपके बारे में पूछेगा, ठीक है, और आपके हाथ में ही देगा वो, अगर वो आपके, आप नहीं रहोगे तो आपके घर वालों का आईडी मांगेंगे, अगर वो नहीं दिए आईडी तो वो चला जाएगा, या तो आपके घर पे गया वहां पे कोई नहीं है तो भी वो सीडीसी चले जाएगी, रियल टाइम नहीं करेगा लोग, कोई कोई रियल टाइम करा तो अच्छी बात है, वरना ज्यादातर के तो लोग करते ही नहीं है रियल टाइम, ठीक है। वो सीडीसी जाके पड़ी रहेगी पोस्ट ऑफिस में, अगर वो कहीं आप मालूम पड़ा वहां पहले आपका घर था वो, अब नहीं रहते हो वहां पर, तो आपके नेबर्स को पूछेंगे, अगर आपके नेबर्स बोलेंगे वो लोग यहाँ नहीं रहते, तो समझो हो गया, सीडीसी का कल्याण लेके चले जाएंगे वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस में, वो पोस्ट ऑफिस में पड़ी रहेगी 15 दिन 10 दिन, वो फिर वहां से भेज देंगे वो लोग एमएमडी। इसलिए बोल रहा, अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो प्लीज जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन को बता के रखो कि मेरी ऐसी ऐसी चीज आने वाली है, ठीक है। तो जिसका 5 6 महीना हो गया ऐसा प्रॉब्लम हो गया, सीडीसी आई नहीं है, तो देखिए लास्ट ऑप्शन ये है, आपकी तो सीडीसी एमएमडी चले गई रहेगी अब तक, तो आप एमएमडी जाइए और एमएमडी जाके डायरेक्ट ना कोई काउंटर वाले से बात कीजिए, वो काउंटर वाले भी ज्यादातर के हेल्प डेस्क वाले आपकी मदद नहीं करते, ठीक है। आप उनको बोलो, बोलेंगे हाँ आएगी आएगी सीडीसी आएगी, उनको खुद को नहीं पता होता है कि ये नंबर की सीडीसी प्रिंट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, इतने मतलब समझ रहे हो इरेस्पॉन्सिबल लोग हैं वहां पर। तो एक काम कीजिएगा, क्लर्क को पकड़िएगा वहां पर, ठीक है, किसी भी क्लर्क को पकड़िए एमएमडी के अंदर और उसको बोलिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरा, मुझे मेरी सीडीसी निकलवा के दो, या ऐसा बोलिए उन्हें डायरेक्टली कि मैं 60 दिन 70 दिन हो गया अभी तक सीडीसी आई नहीं है,
उन्हें कहिए कि 4-5 महीना हो गया अभी तो क्या आई नहीं है, मुझे डाउट है एमएमडी में, सीडीसी वापिस आ गया, ऐसा करके किसी क्लर्क को पकड़िए और उससे बात करिए, समझे। तो इसी तरह से आपकी सीडीसी मिल सकती है अगर जिसकी है 4-5-6 महीना हो गया सीडीसी मिली नहीं है तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया था ताकि लोगों की शायद ये वीडियो मतलब आपको हेल्पफुल लगे, जिसको ऐसा प्रॉब्लम है प्लीज़ एमएमडी जाके बात कीजिए, ठीक है। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।